भारत के तीन सबसे लंबे रेलवे पुल, ये पुल समुद्र पर बने हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और कई किलोमीटर लंबे होने के कारण पानी की लहरों से कांपने लगते हैं। चलिए जानते हैं। तीसरे नंबर पर रामेश्वरम का पाम्बन रेलवे ब्रिज है। इस पुल में हर 12 मीटर पर पिलर लगे हैं और 147 पिलर पर खड़ा है। ये सिंगल लाइन रेलवे ब्रिज 2065 मीटर यानी 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। 1964 में यात्री ट्रेन सहित पुल का आधे से ज्यादा हिस्सा ढह गया था जो दोबारा बनाया गया। दूसरे नंबर पर इससे दोगुना बड़ा केरल के कोच्चि में बना हुआ वेम्बनाद रेलवे ब्रिज है। इसकी लंबाई 4.6 किलोमीटर है। इसे बनाने में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबिल ब्रिज है। ये 4.9 किलोमीटर लंबा है जिसमें सड़क और रेलवे पुल दोनों साथ में बने हुए हैं। इसीलिए इसे बनाने में 5,900 करोड़ रुपए खर्च हुए। क्या आपको कभी यहाँ जाने का मौका मिला है? कमेंट में जरूर बताएं।